हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैकर होम। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं मैंने मिरर का अरेंजमेंट किया हुआ है। ये इस सोलर पैनल के पावर को टेस्ट करने के लिए मैंने इस मिरर का अरेंजमेंट किया हुआ है। इस सोलर का तो आज हालत खराब होने वाला है, क्योंकि इसके सामने से भी लाइट आ रहा है और पीछे से भी लाइट इस पे पड़ने वाला है। तो इसका तो आज फुल पावर टेस्ट होने वाला है। यह सोलर लूम कंपनी का सोलर है और यह बाईफेसियल सोलर है, यानी इसके इस साइड भी पैनल है और इसके सामने भी पैनल है। इस तरह से यह बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेकिन इतना भी एनर्जी से हम लोग संतुष्ट नहीं है। इससे भी और ज़्यादा पावर इसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यह सोलर पैनल 450 वाट से 530 वाट तक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेकिन यह सिर्फ नॉर्मल सरफेस या हमारे छतों के सरफेस के रिफ्लेक्शन से ही इतना ज़्यादा तक प्रोड्यूस भी हो पा रहा है। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल सरफेस के बजाय अगर इसके जगह पे मिरर लगा दें तो हमारा पूरा का पूरा लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और इसके पीछे भी पूरा लाइट पड़ जाएगा पैनल पर, तब तो कमाल हो जाएगा। हो सकता है कि यह 1000 वाट दे दे। अगर यह सोलर पैनल 1000 वाट दे रहा है तब तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि एक सोलर पैनल और 1000 वाट। तो चलिए अब एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखा दे रहा हूँ कि बिना मिरर के यह कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैं सबसे पहले मिरर को हटा दे रहा हूँ। दोस्तों, जो नॉर्मल सरफेस होता है बहुत कम मात्रा में लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन मिरर 99% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो हमें निश्चित ही फायदा मिलने वाला है। सबसे पहले मैं अभी दिखा दे रहा हूँ कि यह कितना वोल्ट और कितना एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 46 वोल्ट, अभी 46 वोल्ट जनरेट कर रहा है। पॉजिटिव निगेटिव, अच्छा 13.5 एम्पियर अभी जनरेट कर रहा है और 46 वोल्ट। दोस्तों, अभी सनलाइट इतना तेज है कि अभी 621 वाट प्रोड्यूस कर रहा है बिना मिरर के रिफ्लेक्शन से। तो अब मैं इस मिरर का रिफ्लेक्शन सीधे पीछे इसके पैनल पे पड़ाता हूँ और तब देखते हैं यह कितना ग्रो कर जा रहा है। सबसे पहले इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 47 वोल्ट आ चुका है और मैं इसका एम्पियर भी चेक कर ले रहा हूँ। 18 एम्पियर हो चुका है, 18 एम्पियर। दोस्तों, यह लगभग 18 एम्पियर और 47 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है मिरर लगाने के बाद। तो इसका मतलब 846 वाट यह जनरेट कर रहा है अभी। अभी हम लोग इसको और इस पैनल को ठंडा करने वाले हैं। हमको लगता है कि के रिफ्लेक्शन से बहुत ज़्यादा इस पे लाइट आ रहा है इस पैनल पे, तो निश्चित ही यह गर्म हो गया होगा। वो ये तो लग रहा है कि हाथ जला देगा यार। इसको तो मैं थोड़ा सा अभी ठंडा कर दे रहा हूँ, तब देखता हूँ कि यह बढ़ रहा है कि नहीं इसका वोल्टेज और एम्पियर। दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर दे रहा हूँ इस पैनल को। वाह, ये इसमें से तो वाष्प निकल रहा है, वाष्प देख सकते हैं कितना ही हॉट हो चुका है। अभी यहां पर देख सकते हैं कमाल हो गया, ये तो 49 वोल्ट हो गया ठंडा होने के बाद, 49.3 वोल्ट अपने आप बढ़ गया, 2 वोल्ट तो ऐसे ही बढ़ गया थोड़ा सा ठंडा होने पे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसका एम्पियर कितना जनरेट हो रहा है। वो 18.5 एम्पियर। दोस्तों, आधा एम्पियर और 2 वोल्ट इसको ठंडा करने के बाद बढ़ जा रहा है। तो अब हमारा पैनल 906 वाट प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब बहुत ही करीब आ चुका है 1000 वाट से। कमाल हो गया, मैंने तो जिस तरह से सोचा था लगभग उतना पूरा हो गया, लेकिन 1000 वाट हो जाए तो अब तो और ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके साइड से भी थोड़ा सा रिफ्लेक्शन कराया जाए ताकि और ज़्यादा लाइट इस पर आए, और ठंडा करने के लिए भी हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन का व्यवस्था कर रहे हैं ताकि यह और ज़्यादा ठंडा हो सके और खूब ज़्यादा इस पर लाइट आ जाए। तब देखते हैं 1000 वाट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, अगर हो गया तब तो कमाल हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक मिरर यहाँ पे लगा दिया है जिसका रिफ्लेक्शन इस पे आ रहा है, इधर से इस साइड से आ रहा है इस सोलर पे, और यहाँ पर मैंने एक ये मिरर लगा दिया है, इसका भी रिफ्लेक्शन इस पैनल पे ही जा रहा है और ये पीछे से तो दे ही रहा है।
दोस्तों यह 51 point something वोल्ट हो जा रहा है जब मैंने दो और मिरर लगा दिया है जिसका रिफ्लेक्शन इस पैनल पे पड़ रहा है। अब मैं इसका एम्पियर चेक कर ले रहा हूँ, 18.5 एम्पियर तक हो चुका है। अब मैं इस पैनल को लिक्विड नाइट्रोजन से ठंडा करने जा रहा हूँ, तब देखते हैं कि 1000 वाट हो जा रहा है कि नहीं। दोस्तों लिक्विड नाइट्रोजन तो इसके सरफेस पर पड़ते ही उड़ जाएगा क्योंकि पैनल बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पानी में लिक्विड नाइट्रोजन को डाल रहा हूँ, इससे बर्फ तैयार हो जाएगा तुरंत और तब मैं इसको पैनल के सरफेस पे लगा दूंगा ताकि यह बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाए। तब शायद हमारा वोल्टेज और एम्पियर और ज़्यादा बढ़ सकता है। बिल्कुल ही ठंडा है यह पानी, कुछ कुछ बर्फ भी जमा हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं बर्फ भी जम चुका है। इसको मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ इसके सरफेस पे ताकि पैनल तेज़ी से ठंडा हो जाए। वो ये हाथ तो ठंडा के मारे हालत ख़राब हो जा रहा है इसका। ओह चलिए अब तेज़ी से चेक करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 51 वोल्ट हो जा रहा है और यहाँ पे वाओ 20 एम्पियर से ज्यादा। दोस्तों ये तो कमाल हो गया, एक पैनल 1000 वाट, कमाल हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ हो पाया है इस लूम सोलर के इस खास पैनल से, सार्क वाला बाइफेशियल पैनल से, क्योंकि इसका टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि इसके दोनों तरफ पैनल है और यह जर्मन सेल से बना हुआ है का पैनल। दोस्तों इस सोलर पैनल का पावर तो आपने देख ही लिया, इसका और भी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं धूप से अलग हट रहा हूँ क्योंकि धूप से मेरा माइंड गर्म हो गया है। दोस्तों अभी जिस सोलर पैनल का उपयोग मैं कर रहा था उतना ही एरिया कवर करने वाला नॉर्मल सोलर पैनल से 1.5 गुना इलेक्ट्रिसिटी यह पहले से ही प्रोड्यूस कर रहा था। तब जाके मैं थोड़ा सा मिरर और अरेंजमेंट करके इसको और बढ़ा पाया, 1000 वाट तक कर पाया। इसका मतलब यह नॉर्मल सोलर पैनल से 1.5 गुना इलेक्ट्रिसिटी यह देता है और यह देखने में भी बहुत सुंदर है। तो आप भी इस तरह का सोलर खरीद सकते हैं, नीचे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऐसे ही मज़ेदार साइंस वीडियोज़ देखने के लिए अभी तक हैकर ओम चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट साइंस वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।